हेलो एवरीवन, मैं हूँ देवेंदर साल। आप सबका अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल है ना उसे ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ वगैरह बहुत लाती रहती हूँ। और अगर आपने बेल दबा रखी होगी तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए बातें कम करते हैं, तो आज सीधा बढ़ते हैं हम रेमेडी की ओर। और फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही अच्छी है। और आज की जो रेमेडी है फ्रेंड्स, आपकी स्किन को एकदम ब्राइट और वाइट करेगी। और बहुत छोटी सी रेमेडी है, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा फ्रेंड्स। तो इस रेमेडी में सबसे पहले आपको चाहिए एग। एग आपको उसका वाइट वाला हिस्सा चाहिए, आपको येलो यूज़ नहीं करना है, आपने वाइट हिस्सा लेना है। एक चम्मच आप एग का निकालिए और उसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट डालना है वो डालना है आपने कॉर्न स्टैच का। जी हाँ, आपने सेकंड जो डालना है वो डालना है कॉर्न स्टैच। और थर्ड इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको हनी, और कच्चा रॉ हनी होना चाहिए, यानी कच्चा शहद जिसको बोलते हैं, रॉ हनी हो, एक चम्मच आपको वो चाहिए। बस ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर आपकी स्किन फ्रेंड्स ऑयली है तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू डाल सकते हैं, नींबू का जूस, यानी कि आधा चम्मच आप लेमन इसमें जूस डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको शूट नहीं करता है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। बस ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत हैं, इनको अच्छे से मिक्स करिए, अपने फेस पर 15 मिनट के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद अपने फेस को धो दीजिए। आप ये हफ्ते में एक बार या दो बार आराम से इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी फ्रेंड्स। तो आज ये थी मेरी आज आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी रेमेडी। तो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे अपने लवली कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।